helps you to interact with your colleagues, with your peers, with the students of different age groups. Not only you see, you have come here, but you have students from different age groups and different classes. So you are getting a chance to speak in front of them, speak in front of all the different age groups, which is very beneficial for you and very effective in the long run, so that you're not afraid to face your opponents. Sometimes you will get chances to go for the debate competition. You will have students from different age groups. You might have someone senior, someone junior. You have to fight with juniors as well to prepare you for your opponent team as well. The third benefit which I would like to speak is post COVID, children have their oracy communication skills has declined, or you will say others as well. When they look at you, oh wow, look at that person, how well he speaks, or how well he is speaking or she is speaking, the others get motivated. Moreover, when you see the assembly also, children go into the mic and speak on the open mic. So others, what happens when you listen, when you hear them, you think, what do you say? Wow, wonderful speech, how well that person जीवन में अनेक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे माँ, बहन, पत्नी आदि, इसकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी हम जब अक्सर ऐसी खबरें देखते हैं या सुनते हैं कि उन पर बहुत ही अत्याचार होती है, शोषण या रेप, उनके इस प्रकार की घटना जब भी हम सुनते हैं तो हम अंदर से बहुत खराब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है। आखिर क्यों, मेरा ये सवाल है कि आखिर ये सब क्यों होता है और आखिर कब तक ये सब चलेगा। आज भी हम ये सब चीज़ अक्सर देखते हैं कि महिलाओं को है जो देश की हर महिला बैठक होकर आगे बढ़ेगी और वो दिन आएगा भी नहीं। भारत में बहुत से राज्य हैं जहाँ पर अभी भी बाल विवाह जैसे गैर कानूनी चीज़ होती है। यह बाल विवाह दोनों के लिए बहुत हानिकारक है, ना कि एकदम उस बच्ची के लिए जिसके साथ होता रहा वो उसके डर भी है दोनों के लिए, क्योंकि बाल विवाह जैसी चीज़ों को समाज में रोकना चाहिए। बाल विवाह से बहुत हानि होती है और या तो होता कि बाल विवाह को रोकने बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाल विवाह का खुलकर विरोध करते हैं, जिसकी वजह से आज भी बाल विवाह काफ़ी हद तक कम हुआ है। महिलाओं का रेप और घरेलू हिंसा तो जैसे आम बात ही हो गई है, महिलाएं अक्सर इससे पीड़ित होती है, शिकार होती है और इनके खिलाफ आवाज उठाती है, तो इनकी तो यही नाम का समाज उन्हें रोक देता है। समाज यह सोचता है कि इससे इनकी इज्जत उछल जाएगी, लेकिन क्यों, जबकि जो आरोपी होता है वो खुद को छुपाता है, लेकिन वही महिलाएं जिन पर यह अत्याचार होता है उन्हें छुपा कर रखा जाता है, ऐसा क्यों, ये मेरा सवाल है सबसे, क्यों, क्या कोई गलत एकता का खुद कभी पहुंचाने मत देना, किसी धर्म को छोड़ किसी को पहुंचाने मत देना। देश तभी बनेगा महान जब एकता बनेगी हमारी पहचान। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों को मंगलमय प्रभात। मैं अभिषेक कक्षा 9 से आप सभी के सामने राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को पूरे भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को 1875 के गुजरात के खेड़ा नामक जिला में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय वकील और प्रभावशाली राजनेता थे, जिन्होंने 1947 से लेकर 1950 तक भारत में पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और अपनी एकीकरण का मार्गदर्शन किया। 562 देशी रियासतों का विलय एक असंभव कार्य था जो उन्होंने अपने दम पर करके दिखाया। नए स्वतंत्र भारत में उन्होंने अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण और अडिग थी, जिसके कारण उन्हें भारत का लोह पुरुष भी कहा जाता है। 2014 में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय एकता वो भावना है जो किसी देश के लोगों में भाईचारा अथवा देश के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय एकता ही वो भावना है जो किसी धर्म, जाति, वेशभूषा, संप्रदाय, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक ही सूत्र में पिरोए रखता है। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वो राष्ट्र भी सशक्त है, परंतु जब जब बाहरी शक्ति आकर राष्ट्र को खंडित करती है तब तक राष्ट्र भी को कई कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न संप्रदायों, संस्कृतियों और जातियों के लोग एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। राष्ट्र अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे में पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा शपथ ग्रहण समारोह, मार्च पास्ट, रन फॉर यूनिटी जैसे मैराथन भी के तरह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूल और कॉलेजों में भी कई तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के नागरिकों को
देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा, तभी देश का विकास संभव है। एकता में बहुत बल है, ये राष्ट्र की हर समस्या का हल है। राष्ट्रीय एकता का करो चुनाव, देश हित से करो लगाओ। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। सवाल करती हूँ मैं, तुम नारी हो, तुम स्त्री हो, इतनी जोर से हंसो मत, इतनी लड़कों के दोस्त मत बनो, तुम लाचार हो, तुम बेचारी हो, क्योंकि तुम एक लड़की हो। इसलिए जवाब सुनती हूँ मैं, जब बड़ी हुई तो समाज के रस्मों को जाना, पहचाना और अपने सवाल के जवाब को मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, थकती हुई चिंगारी हो, छेड़ो मत तुम जल जाओगे, छेड़ो मत तुम जल जाओगे। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षक एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया कुमारी कक्षा आपकी सर की छात्र आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचारों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं बताती हूँ उसका अर्थ क्या होता है। सभी शिक्षक
प्राचार्यों को, प्रधानाचार्यों को धन्यवाद कर इस मंच पर बोलने का अवसर, इस मंच पर बोलने का मानना कि वो अपने फैसले खुद से ले सके, वो अपने फैसले खुद से ले सके, वो अपने वो सही और गलत के बीच में फर्क बता सके, वो अपनी रक्षा खुद कर सके तथा पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठी, मेरा नाम कृष्णा भगत है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा आज तूफानों से लड़ना सीखो के ऊपर एक छोटा सा भाषण देना चाहती हूँ। समस्या और समाधान दोनों, जब भी आपके पास समस्या आती है, समाधान उसके साथ ही आता है। जिस तरह जब कोई जीव इस धरती पे आता है तो उसकी मृत्यु उसके साथ ही आती है। जब भी समस्या आए तो आपको उस समस्या के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक होकर उसके प्रति शांत मन से विचार विमर्श करना चाहिए। आप अपने आप को कैसे संभालिएगा, यही है आपकी इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं साधारण कक्षा 12 की छात्रा नारी सशक्तिकरण के बारे में धन्यवाद करना चाहूंगी। एक महिला वह सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है, बस उसे उस कार्य करने के लिए अवसर स्वतंत्रता दिया जाए। उदाहरण हमारे सामने है मिथाली राज क्रिकेट की फील्ड में जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हो तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हो, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हो। महिला शक्ति और धन का सबसे अच्छा उदाहरण है। पूरा परिवार दैनिक कार्य के लिए महिलाओं पर निर्भर रहता है और वह समाज में भी अहम भूमिका निभाती है। उन्हें आधिकार के लिए पुकारा जाता है और उसे नाम दिया जाता है, जैसे माँ, पत्नी, शिक्षक, दोस्त। नारी गौरव का अभिमान है, नारी देवी रचा विधान है, नारी ने ही रचा विधान है, नारी जन को सशक्त बनाना है। बड़े सहपाठी सभी को मेरा कोटि कोटि सम्मान। मैं सुभाष कुमार माधव, कक्षा 11 का छात्र, आप सभी के समक्ष पर्यावरण संरक्षण हर मानव की जिम्मेदारी इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह पृथ्वी हम सभी का घर है और इसे बचाना मानवता का धर्म है। हम सभी मानव हैं और मानवता के धर्म के नाते इसे बचाना हमारा धर्म है। आज हम अपने आसपास देख पा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी, हमारा देश, हमारा पर्यावरण एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है, जो है प्रदूषण। और ये प्रदूषण हमारी ही देन है, ये प्रदूषण मानवता में ही फैलाया और इसे मिटाना भी हमारा ही कर्तव्य है। लोग पर्यावरण लोग विकसित होने में, विकास करने में इतने दिन हो चुके हैं कि लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी स्थिति क्या हो रही है। तो लोगों को इस चीज पर भी ध्यान देना विषय और कक्षा 11 का छात्र आपके सामने भारतीय डाक सेवा पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारतीय डाक सेवा जो हमारे देश की सबसे प्राचीन
एवं महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। का इतिहास 1854 तक जाता है और तब से लेकर आज तक यह भारत में दूर दराज इलाकों में पत्र संदेश एवं पार्सल का संचार कराने में मदद करती है। भारतीय डाक सेवा का यह मकसद है कि वो देश देती है। यह ई कॉमर्स वितरण का भी सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। धन्यवाद। मेरे नाम की शक्ति भी नहीं थी उस सारी उस घर को सजाने में गुजर गई। यहाँ उपस्थित शिक्षक गए भाइयों बहनों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों सभी को मेरा प्यार और आदर भरा नमस्कार। मैं त्रिशा कुमारी कक्षा 8वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सर्वप्रथम नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो महिलाओं को उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना ही नारी सशक्तिकरण है।
अपनी राष्ट्रपति के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं। छात्र समाज के लिए उसी पर उन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य टिका होता है। छात्र समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्वतंत्रता, एकता, समानता और नैतिकता के अभिभावक पर प्रेरित होते हैं। सांप्रदायिकता, धार्मिक अंतर, क्षेत्रवाद, राजनीतिक और प्राधिकरण जैसी बीमारियां भारतीय समाज की विशेषता बन चुकी है और यह हमारे राष्ट्रीय प्रगति के दर को कम कर रही है। इन्हें अनेक आंदोलनों और अभियानों के जरिए हमारे देश के छात्रों द्वारा समूह समाप्त किया जा सकता है। छात्र एक ऐसी शक्ति है जिसके समक्ष राजनीतिक दल, नेता और प्रशासन तंत्र तक घुटने टेक रही है। अतः हमारे देश के छात्र हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय प्रगति को दर्शाते हैं और इन्हें रोकने वाली विभिन्न बाधाओं को हटाने में अहम एवं चमत्कारी भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कार्य और समुदाय सेवा को हमारी आज की शिक्षा प्रणाली का अभिन्न भाग बनाया जा रहा है and